नमस्ते। हाँ बताओ क्या करवा रहे नेताजी। हाँ भैया गांव में क्या करवा रहे थे, ये तो ठीक काम नहीं है, मरवाना पिटवाना बच्चों को पप्पू को सबको तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो हमें को वो दे रहे हो बेटा। दे नहीं रहे, आपकी सेवा की इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हमारी सेवा की तो तुमको हमारी सेवा में रहना चाहिए, तुम हमारे खिलाफ अप्लीकेशन क्यों देते हो। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था। हमारे खिलाफ पर्चा क्यों छपवाते हो। मैंने नहीं छपवाया। किसने छपवाया अभी आप पता करो। मैंने नहीं छपवाया। अच्छा तुम बताओगे हम किससे पता करें। मेरे व्हाट्सएप पे आया किसी से, मैं व्हाट्सएप का आगे फॉरवर्ड किया, इतना गुनहगार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी एक औलाद है, कहाँ खड़ा होना है बताओ। अच्छा एक बात बता, तू मेरा छोटा भाई है। हाँ हूँ। छोटा भाई है तो छोटे भाई बड़े भाई खिलाफ पर्चा छपवाना चाहिए। मैंने नहीं छपवाया बताओ, मैं कैसे यकीन दूं। हनुमान तो नहीं फाड़ के दिखा सकता हूँ कहाँ पे। अगर तुमने नहीं छपवाया, व्हाट्सएप पे 6 महीने चल रहा है जी, हमें क्या मतलब, क्या मैं दोषी हूँ किसी चीज में। मैंने नहीं छपवाया, मैं कह रहा हूँ मैं किसी तरीके से किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन अच्छा, चलो तुम नहीं, सुनो जी, तुम नहीं हो तो तुम हमारे पास आओ जी। ये जो लोग खेल रहे हैं ना जी, जो लोग भौजाई को बुला लेते हैं, तुम्हारी दस्तखत करा लेते हैं, अप्लीकेशन रोज दिलाते हैं जी, इनको सबको मना करो और परिवार के किसी भी सदस्य से कह दो। नहीं मेरी टिंकू से बात हुई थी, टिंकू फोन आया था, हमने कहा कोई बात नहीं, जो मेरे पे फर्जी मुकदमे लिखे गए, जब आपने मुकदमा मेरे पे लिखवाया वो वाला नहीं, नहीं, नहीं। आप सुनो दद्दू मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सेवा आपकी की है, आप मेरी सुन लो। आपसे बात हुई, आपने मेरी बहुत इज्जत की मैंने आपकी और बड़ी सेवा की, हमारी सुन लो आप। हाँ हमारी सुन लो, आपके नंगे भूखे हमारी नहीं करोगे। नहीं अब भी करता हूँ। मैंने कह रहा हूँ नंगे भूखे रह के मैंने आपकी सेवा की हर तरीके से, जहाँ आपने खड़ा किया, जहाँ दद्दू मेरी बात सुन लो, जहाँ आपने खड़ा किया मैं वहाँ खड़ा हुआ, नंगा पैर, कभी मना नहीं किया मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँगा। अच्छा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो जी। दद्दू देखो, आप भगवान दया से ठीक हुए हो जी, लोग चाहते हैं कि ये लोग मर जाएं जी, ठीक है जी, मतलब लड़ाई में सबका नुकसान होता है, हमारा तुम्हारा सबका जी। तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम आगे बढ़ो, हमने यही चीज तुमसे कही थी ना जी, और आप हमारे पास आइए और घर में सब सदस्यों से कह दीजिए जी, जो हुआ वो खत्म जी, हमारा तुम्हारा है, और तुम हमारे पास आइए, हम तुम मिलके एक नया अध्याय शुरू करते हैं जी जी। अब हमारी तुम्हारी बात में बीच वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं तो इनको अतुल क्या जरूरत थी, मैंने अतुल भी ढंग से कल से बात की थी, हमने कहा भैया तुमको क्या जरूरत थी मारने पीटने की जाने के। अतुल तुम्हारे ज्यादा सगे हैं कि कोई दूसरा तुम्हारा ज्यादा सगा है। अतुल सगे हैं तो बात खत्म हो गई। अतुल सगे हैं तो बात खत्म हो गई। हमने कहा हमका क्या कर रहे हैं, मैंने फोन मिलाया था, हमने यही कहा अतुल अपने काम की मेरे सामने गलती मांगेंगे, महेश अपने काम की हमारे सामने गलती मांगेंगे, और हमारे तुम्हारे परिवार एक होके रहेंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है हाँ, और सबको रुकुल सबसे कह दो चुपचाप बैठो और दद्दू से कल मिलाए, अम्मा हमसे कल मिलेंगी। ठीक है, हम अम्मा को बैठा के चाय पिलाएंगे। ठीक 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 तो सबको रोको, सबको मना करो। ठीक है।